हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुलेमान डेट्स अप बाय चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। गाइस, आज जो हम बात करेंगे वो ऑगमेंटिन 625 एमजी में टेबलेट जो आती है, ये टेबलेट जो आती है इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे, क्या इसके यूजेस है, क्या इसके साइड इफेक्ट है और कैसे ये टेबलेट काम करती है और कितनी डोज में इसको दिया जाता है, किन किन टेबलेट के साथ में नहीं दिया जाता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में बताएंगे। वीडियो को लास्ट देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी करिएगा। गाइस, शुरू करते हैं वीडियो। ऑगमेंटिन 625 एमजी टेबलेट, ये टेबलेट जो है इसको जीएसके फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। इसके एमआरपी की बात करें 201 रुपए का स्ट्रिप होता है, 10 टेबलेट का स्ट्रिप मार्केट में मिलता है। गैस, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर अमोक्सिसिलिन 500 एमजी में होता है और पोटेशियम क्लेबोनेट 125 एमजी में होता है। अमोक्सिसिलिन जो अमीनो पेनिसिलिन कैटेगरी से बिलोंग करता है और पोटेशियम क्लेबोनेट जो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है। ये तो क्लास की बात हुई। अब गैस बात करते हैं किस किस और नाम से मार्केट में ये टेबलेट मिलती है। मॉक्सिकाइड सीबी 625 के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगी, सेंसिक्लैब 625 के नाम से भी टेबलेट मिल जाती है और हेक्सामेटिन 625 के नाम से भी मिल जाती है। हर कंपनी का अपना ब्रांड नेम अलग होता है। अब इस बात करते हैं कैसे काम करता है। तो ये अमोक्सिसिलिन जो बैक्टीरिया की सेलवाल को इनहिबिट कर देता है, यानी बैक्टीरिया की सेलवाल होती है जो वो सेलवाल होती है पेप्टिडोग्लाइकन पॉलीमर से बनी होती है, यानी जो चेन होती है पेप्टिडोग्लाइकन की वो आपस में जुड़ी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन और पोषक तत्व देता है, तो उस चेन को ये ब्रेक कर देता है अमोक्सिसिलिन और बैक्टीरिया जो किल हो जाता है, इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाता है। अब बात करते हैं पोटेशियम क्लेबोनेट की। ये पोटेशियम क्लेबोनेट जो होता है ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, यानी बीटा लैक्टम रिंग होती है इसके अंदर। ये क्या करता है, जो दवाई का रेजिस्टेंस होता है, जैसे अमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस है, यानी वो अपना काम करना कम कर देती है, तो उसकी ताकत को ये बढ़ा देता है। उसको ताकत को बढ़ा देगा अमोक्सिसिलिन के, और वो जो बैक्टीरिया से ज्यादा पावरफुल हो जाए, ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तब अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बैक्टीरिया को वो किल कर देगा और इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। यानी पोटेशियम क्लेबोनेट अगर टेबलेट के साथ में लगा है तो अमोक्सिसिलिन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, यानी जो ये ड्रग मॉलिक्यूल है इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन जल्दी क्योर हो जाएगा, जल्दी ट्रीट हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं किन किन मेडिसिन के साथ में नहीं देना है। एंटीकोगुलेंट ड्रग जैसे वारफरिन हो गई, खून को पतला करने वाले जितनी भी ड्रग होती है उनके साथ में इस टेबलेट को नहीं देना है। एलोपुरिनोल के साथ में नहीं देना है, एलोपुरिनोल जो यूरिक एसिड बढ़ जाता है उसको कम करने के लिए दी जाती है टेबलेट, उसके साथ में नहीं देना है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कोई भी अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ में भी नहीं देना है, जैसे अनवांटेड 72 अनवांटेड किट वगैरह अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ में भी देना है। अनवांटेड 72 टेबलेट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अब गाइस बात करते हैं साइड इफेक्ट की। तो इसके जो साइड इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, आपको दस्त वगैरह हो सकता है प्रॉपर डोज में नहीं लेंगे, और इसका रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अब गाइस बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन की, किस किस बीमारी मैंने इसको नहीं देना है। अगर जॉइंटिस है, पीलिया, तब नहीं देना है। हेपेटिक डिसफंक्शन है, लीवर पर कोई भी परेशानी है, तब इस टेबलेट को नहीं देना है। पेनिसिलिन से अगर एलर्जी है तब भी इस टेबलेट को नहीं देना है। अब गाइस बात करते हैं यूजेस की, यानी कब कब इसको यूज किया जाता है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, कोई भी घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, तब इसको यूज किया जाता है। लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी आपको लंग्स से रिलेटेड खांसी जुखाम अगर हो जाता है तब भी, यानी फेफड़ों से रिगार्डिंग कोई भी बीमारी हो जाए तब भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। सिनाइटिस नेसल मतलब नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी नाक के अंदर कोई इसी तरह का बीमारी हो जाए तब भी इसका यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन, स्किन पे किसी भी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है तब भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, पेशाब की नली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तब भी दिया जाता है, चाहे वो फीमेल को हो या मेल के हो। टॉन्सिलाइटिस, आपके टॉन्सिल्स जो ये फूल जाते हैं, गले में टॉन्सिल्स जो होते हैं, तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। ओटिटाइटिस, आपके कान में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है, यानी आपकी बोन पर फ्रैक्चर हो जाती है, बोन में किसी तरह का बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस टेबलेट को दिया जाता है। अब गाइस बात करते हैं डोजेस की, मतलब कितनी कितनी डोज में दिया जाता है। गाइस इसकी एडल्ट डोज होती है, वो एक टेबलेट आप टीडीएस दे सकते हैं, सुबह दोपहर शाम आप दे सकते हैं। 1 ग्राम की जो टेबलेट आती है उसको आप वीडी दे सकते हैं। गाइस ये मेडिसिन लेने से पहले, क्योंकि एंटीबायोटिक का आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर ले लें, डॉक्टर की एडवाइस के बिना इस मेडिसिन को आप ना लें क्योंकि इसके साइड इफेक्ट में देखने को मिलते हैं। ये गाइस हमने बताया आपको ऑगमेंटिन 625 एमजी टेबलेट के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में।